नमस्कार साथियों, आप सबको पता है कि राजस्थान में पिछले 10-15 दिन से पेपर लीक को लेकर जो एसओजी कार्य कर रही है, आपने अखबारों में देखा होगा कि कनिष्ठ अभियंता 2020 भर्ती को लेकर जो एसओजी जांच कर रही है और जितने लोगों को पकड़ा है उससे ये स्पष्ट होता है, ये साफ होता है कि 2020 में जब जयम की भर्ती हुई थी तो डिग्री का पेपर उस समय सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन डिप्लोमा के पेपर को सरकार ने उस समय रद्द नहीं किया था। एक छोटी सी बात आप समझिए, अगर चोर चोरी करने किसी शोरूम में घुसेगा तो वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, उसका मौका लगेगा तो सब कुछ साफ कर देगा। तो उस समय डिग्री डिप्लोमा दोनों के पेपर लीक हुए थे, लेकिन सरकार ने डिग्री का पेपर रद्द करा और डिग्री का पेपर जब दोबारा पुनः कराया तो वो भी बड़े लेवल पे लीक हुआ। उस समय भी हमने बड़े लेवल पे सरकार को घेरा, आंदोलन करे, अनशन करे और मजबूती से आवाज़ उठाई कि इस पेपर को आप रद्द कर दीजिए, लेकिन सरकार की हठधर्मिता रही कि उस पेपर को उन्होंने रद्द नहीं करा। और उस समय उस भर्ती में करीबन 1000 लोग डिग्री में उस समय जयन लग गए थे, कुछ डिप्लोमा में लग गए, यानी 1500 लोग राजस्थान में फर्जी तरीके से पेपर लेके जयन बने। आप अनुमान लगाइए साथियों कि वो सिस्टम में जब काम करेंगे तो किस प्रकार से करप्शन करेंगे, किस प्रकार से वो सारी चीज़ों को तहस नहस कर देंगे। और आप एक बात देखिए, उनकी वजह से जो बेरोजगार साथी, जो योग्य साथी है, जो नहीं लग पाए थे, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिरकार उनका कसूर क्या है? गरीब किसान मजदूर के बेटे जो नौकरी लगने चाहिए थे उस समय उन भर्तियों में नहीं लग पाए। साथियों, राजस्थान में आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे पेपर माफियाओं की एक गैंग काम कर रही है। अभी कनिष्ठ अभियंता भर्ती में जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा है उनमें जगदीश बिश्नोई जो 2005 से पेपर बांट रहा है, और उसका ये कहना है कि उसे ये नहीं पता कि उसने कितनी भर्तियों में पेपर बांटे हैं। तो अनुमान लगाओ कि अब तक उसने कितने लोगों को गलत तरीके से नौकरी लगाया है। उसके साथी हर्षवर्धन खुद ये कह रहा है कि मैंने करीबन 500 लोगों को अब तक सरकारी नौकरी लगा दिया, उसकी घरवाली सरकारी जॉब में है, उसके रिश्तेदार सरकारी जॉब में है, करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास में है, 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन सारे सरगनाओं के पास मिली है। आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे राजस्थान की सभी भर्तियों में, चाहे पुलिस की हो, SI हो, फर्स्ट ग्रेड हो, इन्होंने RS तक की भर्ती को नहीं छोड़ा, यानी कितने बड़े लेवल पे ये गिरोह काम कर रहा है। और अभी तो ये चंद नाम सामने आए हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपके सामने आना बाकी है। अगर आज राजस्थान की युवा शक्ति इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेगी तो राजस्थान में जो आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी सब में आपको बड़े लेवल पर भी पेपर लीक होते दिखाई पड़ेंगे। हम राजस्थान सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड SOG, आज हम कर्मचारी चयन बोर्ड में हैं पूरी युवा शक्ति के साथ में, और निवेदन कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन से मिले हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पे जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार को और आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, इससे बड़ा युवाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि पेपर लीक के मामले में हम कतई कोताही नहीं बरतेंगे, हम पे जो बनेगा वो पूरा प्रयास करेंगे पेपर लीक को रोकने को लेकर। लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चंद लोगों को पकड़ने से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं बंद नहीं होने वाली है। जो भी लोग इन सरगनाओं ने जितनी भी भर्तियों में, चाहे वो JN की भर्ती हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो SI की भर्ती हो, चाहे वो पटवारी की भर्ती हो, जिन लोगों को पेपर लीक के पेपर लेकर नौकरी लगाया है इन पेपर माफियाओं ने, उन सब की आप जांच कराइए और उनको जांच करा के सबको बाहर करिए, जिससे आने वाले समय में कोई पेपर लेने की हिम्मत नहीं करे। क्योंकि सरगनाओं को बंद करने से पेपर लीक नहीं रुकेंगे। अगर पेपर लीक सरकार को वास्तव में रोकने हैं तो सरकारी नौकरी में जो फर्जी तरीके से लगे हैं उनको आप हटाइए, उन पर कार्रवाई करिए और आजीवन के लिए उनको डिफॉल्ट करिए आप, जिससे आने वाले समय में वो कभी ऐसा काम नहीं करें और उनके डर, उनके मन में एक डर पैदा हो सके, एक भय की स्थिति बन सके कि पेपर लेके सरकारी नौकरी लगने के बाद भी नौकरी से गवर्नमेंट हटा देती है। जब तक गवर्नमेंट ये डर, ये भय उनके दिमाग में पैदा नहीं करेगी, ये घटनाएं राजस्थान में होती रहेंगी। इसलिए मैं युवा शक्ति से भी निवेदन चाहता हूँ कि इस पेपर लीक में आप साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। और सरकार से मांग करता हूँ, आपने कानून बनाया, आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि 10 साल की सजा मिलेगी, प्रॉपर्टी जब्त होगी, उम्र कैद होगी, किसको उम्र कैद आपने दी है, किसको 10 साल की सजा दी है, किसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, ये भी आप बता दीजिए। पूरे राजस्थान के युवा मांग कर रहे हैं, साहब इनकी आप 10 साल की जेल मत करो, इनको उम्र कैद मत करो, आप इनको फांसी की सजा दीजिए, चौराहे पे लटका कर जो
युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले पर करनी चाहिए, जिससे राजस्थान के भविष्य युवाओं का सुरक्षित रह सके और सरकार को इसको लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।